हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों में से ज़्यादातर जो छात्र हैं वो परीक्षा को लेकर परेशान है। अगर वो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो या पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, यानी कहने का मतलब है यूजी कर रहे हैं छात्र या पीजी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट का डाउट है कि उनका एग्ज़ाम कब से होगा। दोस्तों पहले मैं बता दूँ, पीजी वाले स्टूडेंट का, जिनका पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उन सभी छात्रों का जो एग्ज़ाम लेने की उम्मीद है वो आप लोग को बता दें तो 6 अगस्त के बाद अगर गवर्नमेंट की ओर से ब्लॉक 5 की जो घोषणा की जाएगी उसमें अगर एग्ज़ाम लेने की बात की जाएगी, इसके बाद दोस्तों यूजीसी के द्वारा यूनिवर्सिटी को यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया जाएगा कि आप एग्ज़ाम ले सकते हैं, तो इसके बाद आप सभी छात्रों का एग्ज़ाम हो सकता है। सेम प्रोसेस है यूजी वाले स्टूडेंट के साथ। तो दोस्तों पार्ट वन और पार्ट थर्ड वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम लगभग अप्रैल में ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन दोस्तों महामारी के कारण और साथ ही गवर्नमेंट की ओर से जो लॉकडाउन की तिथि जारी कर दी गई, इसके कारण आप लोग का परीक्षा स्थगित हो गया था। लेकिन दोस्तों उम्मीद बताया गया था कि आप लोग का एग्ज़ाम जल्द ही ले लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों जब अनलॉकडाउन 4 की जो तिथि जारी की गई, जिसमें दोस्तों आपको साफ तौर से बता दिया गया कि आप लोग का 6 अगस्त तक परीक्षा पर रोक है। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट और साथ ही जो भी टेलीग्राम पे अपडेट था मैंने आपको वहाँ प्रोवाइड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो टेलीग्राम विजिट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोगों में से काफ़ी सारे ऐसे छात्र हैं जो डेली कमेंट एक ही चीज़ कर रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम कब से लिया जाएगा। क्या आप बता दीजिए पार्ट वन वाले स्टूडेंट का और साथ ही पार्ट थर्ड वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम कब से होने की उम्मीद है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है 6 अगस्त तक आप लोग का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ये यूनिवर्सिटी की ओर से गाइडलाइन भी जारी किया गया है, इसके साथ ही दोस्तों गवर्नमेंट की ओर से भी जारी किया गया है। आगे दोस्तों जब तक अनलॉक 5 की जो घोषणा नहीं की जाती, अगर उसमें दोस्तों फिर से गवर्नमेंट चाहेगी तो यहाँ पे रोक लगा सकती है परीक्षा को लेकर। जैसे ही महामारी की स्थिति जो संभल जाएगी तो आप लोग का एग्ज़ाम लेने की उम्मीद है। दोस्तों बताया जा रहा है कि 15 अगस्त सेलिब्रेट करने के बाद आप लोग को लास्ट एक वीक तक, यानी अगस्त के लास्ट वीक तक आप लोग का एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी और एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों इसमें सोचने वाली बात है, अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पे फिर से अगर अगला नोटिस जारी नहीं करती है तब तो ठीक है, और इधर राजभवन की ओर से अपडेट दे दिया जाता है तो आप लोग को यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी जोरों से चलना स्टार्ट हो जाएगी और आप लोग का एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि आप लोगों में से काफ़ी सारे जो छात्र हैं वो पूछ रहे हैं परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस बार आपका पैटर्न पता ही है कि आप लोग का पैटर्न क्या होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग के ऑनर्स पेपर में लिखित एग्ज़ाम लिए जाएंगे, और आप लोग के सब्सिडरी पेपर हो या जनरल पेपर हो या कंपोजिशन पेपर हो, इन सभी पेपरों में आप लोगों का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क्स का, इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपके मार्केट में रेखा प्रकाशन का गैस पेपर आ चुका है, जिसमें दोस्तों पार्ट वन वाले स्टूडेंट का भी आ गया है, पार्ट टू वाले का भी आ गया है, पार्ट थर्ड वाले का भी आ गया है। तो आपके मार्केट में ये तीनों पार्ट का उपलब्ध हो गया है, तो आप लोग जाके अपने मार्केट में से परचेज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस गैस पेपर की खासियत ये है कि आप लोग के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 3 साल 4 साल पे जो क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, साथ में ये क्वेश्चन दिए गए हैं इस गैस पेपर में, इसके साथ ही दोस्तों आप लोग को ये भी उसमें दिया गया है कि प्रीवियस ईयर, यानी इस बार जो पूछने की उम्मीद है वो भी दिया गया है, पिछले ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन वो भी दिया गया है। यानी कुल मिला के आप लोगों को मैं बता दूँ, इससे अगर तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेटर होने वाला है। और दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट जानना है तो आप लोग हमारे वेबसाइट पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ विजिट कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और दोस्तों किसी प्रकार का जानकारी आपको चाहिए तो हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन हो सकते हैं। अगर किसी लोगों को अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो उनके लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर साइड में स्क्रॉल किया जा रहा है, आप लोग इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप भी अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।